ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स 11 न्यूमेरिकल्स हम करते हैं विद सॉल्यूशन। इस चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो नंबर 1 इज अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस मैन। सो जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसका डेटा है आपके पास, जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास d 50 मीटर है। जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है f वो आपके पास 100 न्यूटन है एंड थीटा जो एंगल है वो 30 डिग्री है। आपने वर्क कैलकुलेट करना है। बिकॉज ई शीट्स हैं तो आपने फॉर्मूला और आंसर बिल्कुल सही कैलकुलेट करके आना है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको। तो वर्क का फॉर्मूला जो आपके पास है वो है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। आप इसमें फोर्स की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 50 एंड कॉस 30 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव आंसर ऑफ 4330 जूल। सो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल इन्वॉल्व हैं तो हमने 3rd कर लिया है। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 इंक्लूड है, राइट? तो 7 पे जाते हैं। 7 का जो डेटा है वो है अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम। सो मैस है 100 ग्राम, इसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.1 केजी आ जाएगा। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट डिटरमाइन द हाइट इट वुड रीच। तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं जितना उन्होंने पूछा हुआ है। तो न्यूमेरिकल नंबर 7, आपके पास जो मैस है वो है 100 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे या 10^-3 किलोग्राम लगा देंगे, इट्स द सेम थिंग, राइट? जो आपके पास वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई तो आपने डिटरमाइन करनी है इसकी हाइट। पार्ट ए है इसका, एच निकालना है, हाइट निकालनी है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। करंट एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच। तो आप एम एम से काट देंगे, आपने एच कैलकुलेट करना है तो वी स्क्वायर बाय 2 और जी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो वी की वैल्यू है वो 25 है, उसका स्क्वायर लेना है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 9.8 जी की वैल्यू। तो आप इसका स्क्वायर लेके डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास एच की वैल्यू हाइट आ जाएगी 31.9 मीटर्स। सो आपने यूनिट और फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखना है। सो 31.9 मीटर्स इसकी हाइट आ गई। ये तो पार्ट ए हो गया जहां तक हमने रीड किया था यहां तक। लेकिन आगे है, इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर। अब उन्होंने हाइट अपनी हाइट दी हुई है कि हाइट अब यूज करनी है आपने एच प्राइम 25 मीटर, राइट? तो कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या है? सो वर्क डन इक्वल्स टू आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हमने पहले निकाली थी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस फॉर्मूले के तहत वर्क निकालेंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। सो बस डिफरेंस ये है कि आप एम वही पुट करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 10^-3 वेलोसिटी 25 ही पुट करेंगे, लेकिन इसमें एच की वैल्यू गिवन है जो कि 25 है, तो यहां पर आप 25 मीटर पुट करेंगे तो आपके पास जो वर्क की वैल्यू आ जाएगी वो 6.7 जूल्स आ जाएगी। वर्क का यूनिट जूल है तो आप जूल में यूनिट आ जाएगा। देन आपके पास जो लास्ट पार्ट है इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल का, कैलकुलेट द वन हो गया, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपने निकालनी है। सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी। अब हम क्या करेंगे? एफ इंटू एच प्राइम। एच प्राइम वो हाइट है जो कि गिवन है पार्ट टू के लिए। वर्क आपके पास आ चुका होगा प्रीवियस कैलकुलेशन से 6.7 जूल। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपने निकालनी है और ये 25। एच डैश की वैल्यू जो प्राइम की वैल्यू 25 है, तो 6.7 डिवाइड बाय 25 जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा 0.3 न्यूटन। सो इस तरह आपका 7th न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा जो कि इस चैप्टर का 2nd है और 3rd था, 7th था और अब लास्ट है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं हम लोग लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ दिस बुक। कंप्लीट बुक का
वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकल है ये. इलेवेंथ, द मैस ऑफ द मून इज 1/80 ऑफ द मैस ऑफ द अर्थ. जो मैस ऑफ मून है MM, वो 1/80 है मास ऑफ अर्थ के. एंड क्रॉस्पॉन्डिंग रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ. कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑन द सर्फेस ऑफ मून. सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आई थिंक समझ आ गई होगी. जो मैस ऑफ मून है वो आपके पास 1/80 है मास ऑफ अर्थ के. एंड यू नो व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? मास ऑफ अर्थ इज 6×10^24. आपको 9 क्लास की वैल्यू याद होगी 80. तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो 6×24/80, सो यू विल गेट 7.5×10^22 kg. आपने यूनिट साथ साथ लिखने हैं बिकॉज ई शीट पे आप पेपर सॉल्व करेंगे फेडरल का. तो ये मास ऑफ मून आ गया. रेडियस ऑफ मून पे आते हैं. अब रेडियस ऑफ मून की कंडीशन ये है कि वो 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ है. रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6.4×10^6 मीटर्स डिवाइड बाय 4. तो आप 6.4 एक्सपोनेंट 6 को डिवाइड करवा देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1600000 मीटर्स, राइट? तो आपने एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. एंड आप लोगों को याद होगा, होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट 2gm/r, राइट? तो यहां पे सारी बात है मून, और यहां पे भी m की वैल्यू पुट होगी. तो आपके पास 2, g की वैल्यू 6.67×10^-11, और मास ऑफ -11 है ये, राइट? g की वैल्यू अगर मैं लिख दूं यहां पे टॉप पे, तो आपके पास कैपिटल g की वैल्यू 6.67×10^-11. तो मास ऑफ मून हमने अभी कैलकुलेट किया 7.5×10^22, और रेडियस ऑफ मून अभी हमने कैलकुलेट किया 1600000. आप इसका स्क्वेयर रूट लेकर डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए 2500 मीटर पर सेकंड. बट जो किताब में आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो ये किलोमीटर पर सेकंड में चला जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5 km/s. सो ये इसके वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी. तो ये तीन न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए.